आपका पहला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अमृतसर, बी मुंबई, सी पटना, डी कोलकाता। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अमृतसर। आपका दूसरा सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी महात्मा गांधी ने, डी राजा राम मोहन राय ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। आपका तीसरा सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए 6 राज्यों से, बी 4 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, डी 9 राज्यों से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 राज्यों से। आपका चौथा सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 22 हड्डियां, बी 24 हड्डियां, सी 30 हड्डियां, डी 28 हड्डियां। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 हड्डियां। आपका पांचवा सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपका ऑप्शन है ए गाय का, बी भैंस का, सी भेड़ का, डी बकरी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गाय। आपका छठा सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान बेहोश हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए भेड़ का, बी गाय का, सी हथिनी का, डी शेरनी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हथिनी का। आपका सातवां सवाल है, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए सुगर, बी गेठिया, सी कैंसर, डी पथरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सुगर। आपका आठवां सवाल है, मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक रह सकती है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 10 वर्ष। आपका नौवां सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य का, बी चंद्रमा का, सी शेर का, डी हाथी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य का। आपका दसवां सवाल है, महाराणा प्रताप का घोड़े का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए रोमन, बी चेतक, सी पाली, डी बादल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चेतक। आपका इगलवां सवाल है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? आपका ऑप्शन है ए मछली का, बी कुत्ता का, सी सांप का, डी चींटी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चींटी का। आपका बारहवां सवाल है, किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी सऊदी अरब। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सऊदी अरब। आपका तेरहवां सवाल है, पपीता खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए सुगर,
बी दिल की बीमारी, सी कैंसर, डी मलेरिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल की बीमारी। आपका 14वां सवाल है, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका ऑप्शन है ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी अफ्रीका। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भूटान का। आपका 15वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी बंगलोर में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोलकाता में। आपका 16वां सवाल है, चारमीनार भारत के कौन से शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिकंदराबाद में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में, डी हैदराबाद में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद में। आपका 17वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आपका ऑप्शन है ए मोर, बी कौवा, सी हंस, डी शुतुरमुर्ग। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मोर। आपका 18वां सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए लद्दाख पठार, बी दक्कन पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी मेघालय पठार। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख पठार। आपका 19वां सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए एडिसन ने, बी गैगलियो ने, सी मार्कोनी ने, डी आर्यभट्ट ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गैगलियो ने। आपका 20वां सवाल है, कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अकबर।